भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चावल था उनके पास, उस जमाने में उसकी कीमत क्या रही होगी, एक कौड़ी भी नहीं, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि ये व्यापारी इस भावना से काम करे, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, वो सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा कि यदि दुकानदार चाहे आसानी से 10 के 16 घंटे बना सकता है, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, जिसमें वो अपना काम करता है व्यवसाय। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी पर, डॉक्टर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का हिसाब रखिए, कहां व्यतीत किया, परमात्मा की याद में लगाया या इधर उधर लगा दिया, जिसने आपको इतना सुंदर शरीर दिया। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, इससे ज्यादा इनकी ड्यूटी होती नहीं। 7 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अर्पण कीजिए, उसी की याद में खाइए, उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर को याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो काम करेंगे, थकान महसूस नहीं होगी और काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, आधा घंटा ईश्वर की याद बड़े आराम से कर सकते हैं। 1.5 घंटा 7 घंटे में ईश्वर की याद। फिर ऐसा तो होता नहीं कि ऑफिस में हर समय काम रहता हो, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जो निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला याद हो तो सुना दीजिए अपने रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाएं, अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए, काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। अब काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ, काम खत्म हो जाए भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुभ न हो कि आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने आप को जाहिर नहीं करना है। अगर जाहिर किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करता हूं, तो दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के नाम रखेंगे, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपा कर काम करना है। अब गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि भाई दूसरा शो देख के आया है, इसलिए सो रहा है। छिपकर अभ्यास कीजिए, बड़े लाभ हैं, धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया तो उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी सुंदर रीति अपना ये बताया कि हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं,
कपड़े की कीमत कितने रुपए मीटर, जमीन की कीमत कितने वर्ग मीटर, मकान की, दुकान की, गहनों की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। क्या कभी हमने कोशिश की है कि हम अपनी कीमत आंके कि आपकी कीमत क्या है? बड़ा अफसोस है, इन संतों ने ये कहा कि जीवन बहुत मूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण बर्बाद ना करें, या तो ईश्वर की याद कीजिए या दुनिया का काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया का काम करने में। अननेसेसरी दुनिया में समय बर्बाद ना करें, या अपना काम करें या दुनिया का काम करें। उसके बाद आते हैं हम देवियां। देवियां वो जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके दो विशेष काम हैं, घर में भोजन बनाना, भोजन कराना, दूसरे बच्चों की देखभाल करना, दो खास काम। और पहले जमाने में जो हमारी माताएं थीं, जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी, और उन्होंने कुछ नियम रखे हुए थे कि जब नमक डालती थी तो कहती थी सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ होई। हम जो ये बना रहे हैं ये यज्ञ के लिए बना रहे हैं, पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे, ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि अब भगवान के लिए बना रहे हैं, पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन बनाने का बड़ा भारी असर पड़ता है, भोजन किन विचारों में बना हुआ है, किन भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, अगर गुस्से में भोजन बना रहे हैं, आ रहा है, तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं, शांत स्वभाव से भोजन बनाएं। अगर गुस्से में भोजन को बनाएंगे, जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी, प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। जो भोजन को पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में नहीं किया जा सकता हो, सब काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, जो बच्चों को सजा देते हैं बहुत गलत काम है, नहीं करना चाहिए। तो दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना, ध्यान पूर्वक किया जाए तो बच्चे ठीक रहते, नहीं किया जाए तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है, बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर लोरियां देकर उसको सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा से लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से जो बच्चा पढ़ेगा वह आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, उनकी माता को उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा, ये बात सच है।
जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वे संस्कार अमिट होते हैं। और अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे बहुत कल्याण होगा। ये दो काम कर लें, सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, और उस धर्म की वजह से हिंदू जाति कायम है। जहां ऐसे सुंदर विचार देवियों में है वह घर स्वर्ग बन जाता है, सच्चा सुख घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीज है, ये जरूरी नहीं ऐसा कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे, सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे सामान्य, और हर घर में सद्बुद्धि हर एक की हो, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्मपत्नी अपना कर्तव्य करती हैं, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ करोड़ों की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पश्चिम, सब बेकार है। कलह कलह भरा पड़ा है, सारा वैभव मौजूद है सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो, और हमें प्रभु की याद बनी रहे। घर का हर प्राणी का जीवन ईश्वर में होना चाहिए, तभी सच्चा सुख हमें प्राप्त होगा। हमने देखा अगर अभ्यास करें तो बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर अभ्यास पर दिया है, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास, वैराग। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, उन्होंने हमें बताया कि अभ्यास कैसे करें, और इस सेवक ने आपके सामने रखा। साधारण जीवन में साधारण काम करते करते ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे अपने बनाए हमने, और जब 16 घंटे बन गए तो काम हो गया। जब 16 घंटे आपने परमात्मा की याद के बना लिए तो 99% आपको साधना में सफलता प्राप्त हो गई। 16 घंटे क्या काम बन जाता है, उलट धार हो जाती है। उलट धार को समझिए कि क्या होती है उलट धार। उलट धार हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलट धार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता, जब तक उलट धार नहीं होती। यह 16 घंटे ईश्वर की याद उलट धार है। कैसे उलट धार है, जो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल पूजा करते हैं उनकी मन की क्या दशा है। 24 घंटे में से एक घंटा उनकी मन की करंट का भाव परमात्मा की तरफ, 23 घंटे दुनिया की ओर। साधन की दूसरी सीढ़ी पर आया, और भोजन ईश्वर की याद करना शुरू किया दोपहर को रात्रि में, तो उसका एक घंटा और बढ़ गया। अब क्या हो गया, 2 घंटे मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास शुरू किया, उसे सफलता मिल गई।
6 घंटे सोने के अपने हो गए आपके, पूजा में बदल गए, मन की दशा क्या हुई, 1/3 करंट का बहाव परमात्मा की ओर और 2/3 दुनिया की ओर, अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया, उसने 16 घंटे अपने बना लिए। अब मन की क्या दशा हो गई, 2/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर, अब परमात्मा की अधिक याद रहती है आपको, इसकी आदत हो जाती है। जब ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत बन गई, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है उड़ान मारता है, कोई और स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट कर उतरते हैं, ये दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक स्वतः अपने आप होता है, क्योंकि अब मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर है, उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। अब तक बहिर्मुखी था दुनिया का बहाव, तो हमारा मन दुनिया में भरा रहता था, जब देखो दुनिया तब सोचो दुनिया, जब मन पर निगाह डालो दुनिया भी विचारों से भरा हुआ है, क्योंकि अब मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर है, दुनिया की ही सोचेंगे। अब उल्टा हो गया मन की करंट का बहाव, 2/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते रहते हैं, बिना सोचे बिना समझे, तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली ईश्वर का चिंतन और कुछ होगा ही नहीं, इसी का नाम उलटधार है, और यही तरीका है उलटधार करने का। उलटधार हो गई, काम बन गया, 99% आपको सफलता प्राप्त हो गई। ये अभ्यास सबसे मुश्किल है, जिसने अभ्यास कर लिया उसको सफलता प्राप्त हो गई, बाकी अब साधना में 10% रह जाता है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।